हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी अपनी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पिछले 3 दिनों से वह यूपी के दौरे पर रही हैं और अमेठी रायबरेली के बाद शुक्रवार को अयोध्या के दौरे पर रही। अयोध्या में अपना दौर खत्म करने करके प्रियंका गांधी वापस लखनऊ जा रही थी। उसी दौरान प्रियंका गांधी के काफिले में कांग्रेसियों ने उड़ाई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों की धज्जियां उड़ाई। टोल प्लाजा से प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं की गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए ही निकल गई। दरअसल अयोध्या से लखनऊ जाते समय प्रियंका का काफिला बाराबंकी से होकर गुजरा, जहां रास्ते में रुककर उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और आगे बढ़ गई। इस दौरान प्रियंका गांधी के काफिले में मौजूद SPG सुरक्षा के अलावा कई गाड़ियों के पार्टी नेता और कार्यकर्ता सवार थे। यह पार्टी नेता और कार्यकर्ता इतने जोश में थे कि रास्ते में पड़ने वाले अहमदपुर टोल प्लाजा पर बिना टोल टैक्स दिए ही रवाना हो गए। टोल टैक्स ना देने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि लगभग 20 के आसपास थी। ये सारी गाड़ियां प्रियंका के काफिले के साथ थी। प्रियंका के काफिले में मौजूद इन गाड़ियों के टोल टैक्स न देने पर अहमदपुर टोल प्लाजा के उप प्रबंधक वीरेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्रियंका के काफिले में करीब 25 गाड़ियां निकली हैं, जिनमें से करीब 10 से 12 गाड़ियां पार्टी कार्यकर्ताओं की थीं, जिन्होंने टोल नहीं दिया। इन गाड़ियों के टोल न देने से ₹1,000 से अधिक का नुकसान हुआ है। टोल प्लाजा के उप प्रबंधक के मुताबिक नियमता मौजूदा सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के लिए ही टोल प्लाजा पर छूट होती है, इसलिए यहां से गुजरी गाड़ियों को टोल देना चाहिए था। अभी तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।